Alexa. I don't ever slow up. No, I don't take shit. We are in the जब सुबह गई थी तब भी आप खेल रही थी और बेटे अभी भी आप खेल रहे हो। मम्मी अभी ना मेरी 2 दिन की वीकेंड की छुट्टी है तो अभी तो खेलने दो यार। तो ऐसा करो किसको मैं भी खेल लेती हूँ। शौक लगा ना। जब बच्चे किड से टीनेजर की तरफ जाते हैं ना तो हम पेरेंट्स को पेरेंट्स ना बनके उनका दोस्त बनकर उनकी बातें समझनी और सुननी चाहिए। और मम्मी को ये ज्ञान ऐसे ही नहीं मिला है, ये मम्मी ने किरण बेदी नाम से सीखा है। मतलब बच्चा टीनेजर नहीं है, 10 साल का ज्ञान मौजूदा। सो बेस्ट है उनकी दोस्ती कर लो। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ हर टीनेजर की प्रॉब्लम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ आप अपने सारे टीनेजर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो आप वीडियो शुरू करें। मम्मी तो आ रही है, अपने अंडे लेके आई है। कुछ भी हो जाए मैं ये घास फूस तो नहीं खाऊंगी। ये लो अनन्या आपका लंच, लौकी, कर्ड, सैलेड एंड चपाती। खाना शुरू करो। मामा मैं नहीं खा रही है, मेरे को नहीं खाना। घर में नहीं खिला तो आज तो कुछ और खिला दो। बचपन से लौकी टिंडे पालक पनीर ऐसे कुछ खिला रहे हो। प्लीज आप कुछ अच्छा खिला दो, नहीं तो मैं नहीं खा रही। खाना पड़ेगा, मैं नहीं खाऊंगी। तो रुको मैं प्लान बी लाती हूँ। जब इतना सब आ रखा है तो आप ये क्यों खिला रही थी? क्योंकि तुम टीनेजर्स को ना घर का हेल्दी खाना तो पसंद आता ही नहीं है, बस ये जंक पसंद आता है। तो खाओ अब इसे और 1 महीने तक ये खाना नहीं मिलेगा, ये खाना पड़ेगा। अब बस रात के खाने के बारी है, वो तो जुगाड़ आराम से हो पाएगा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी अनन्या है। अनन्या आप लोग बेटा? आंटी वो ग्रुप स्टडी के लिए आए थे ना। और बेटा ये क्या है? इसमें ना आज घर पे पूजा हो रही है तो उसकी पूरी और खीर है। आंटी आपके लिए नहीं अनन्या को खीर? अच्छा बेटे आओ अंदर आओ। 1 मिनट बेटा। जी आंटी जी। 11 बजे ग्रुप स्टडी कौन करता है? अरे आंटी पढ़ाई में दिन क्या और रात क्या। चलो बेटा जाओ फिर पढ़ लो। आ गए तुम लोग, ये क्या लगा है? अबे तेरी मम्मी को इतना संस्कार का ज्ञान दे के एंट्री मिली है ना। अरे हटा इसको। और ये क्या उठा रहा है? अरे हाँ 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 तेरे घर में पूजा चल रही होगी, जो पहली चीज देखी होगी तेरे को रायता चावल वो ले आई होगी। मैंने मोमोज और नूडल्स लाने के लिए कहा था। तेरे से सबर नहीं होता ना, इसमें वही है जो तुझे चाहिए था। चलो फिर लेट्स पार्टी। हाँ लेट्स पार्टी। चश्मे का नंबर चेंज कराना पड़ेगा। हाँ मायरा तू तो कितना सही कह रही है, तू तो हमेशा मानती है ना।
अनंत्या, आपका फोन कहाँ है? मुझे पिक्चर्स लेनी है अपनी। मम्मा की तो जासूसी शुरू हो गई। फोन तो कमरे में है, पहले जाना पड़ेगा, इससे पहले वो बच्चे। फोटो खींच लिया, पासवर्ड चेंज किया आपने? हाँ मम्मा, आप मेरे को बताओ, मैं ही लिखूंगी, क्योंकि आप मेरा फोन खोल लेती हो, फिर मेरे सारे मैसेज रीड कर लेती हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और उनको फिर सीन पे छोड़ देती हो, मेरे को बताती भी नहीं हो, तो मैं ही डालूंगी। नहीं ना मम्मा, बता दे यार। ये लो मम्मा, और जल्दी ना 2 मिनट में काम करके दे दो। ये फोन ना मैंने ही दिलाया है, और मैं ही पासवर्ड सेट करूंगी। हाँ, तो मेरा करंट पासवर्ड बदल नहीं कर सकती। ये किसका मैसेज आया, जरा चेक करती हूँ। मम्मा फोन तो यार मेरी छुट्टी का टाइम हो गया है। सारी ट्रिक ट्राई कर ली है, अभी तक पासवर्ड ही पता चल रहा। एक गेम खेले? ठीक है मम्मा, खेलते हैं। गेम है रैपिड फायर, सिंपल सा है, जो जो मैं पूछूंगी आप आंसर देती रहना। ठीक है? है आपका फेवरेट पेट? अजमेर। आपका फेवरेट फूड? चिकन। डेस्टिनेशन? लास वेगास। मम्मी या पापा? पापा। आपको किससे डर लगता है? डेथ। और आपका फेवरेट गैजेट? मेरा फोन। फोन। और उसका पासवर्ड? मेरा पासवर्ड। पासवर्ड। मम्मी अब ना मैं बड़ी हो गई हूँ, और ये छोटे छोटे ट्रैप्स में नहीं आने वाली हूँ, अब मेरे को नीचे खेलने जाना है। अरे पासवर्ड तो बता दे। कहाँ जा रही है बेटा? मम्मा मैं ट्यूशन जा रही हूँ अभी। कहाँ? फोन की क्या जरूरत? ट्यूशन में फोन की क्या जरूरत? और इसका पासवर्ड इसकी फेवरेट फ्रेंड का बर्थडे तो नहीं है? मम्मा, मम्मा, आपको अभी भी पासवर्ड नहीं मिल रहा है ना? आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि पासवर्ड जो आप सारे डाल रहे हो इनकरेक्ट है। ठीक है अब मैं जा रही हूँ ट्यूशन। अब इतना क्वेश्चन फोन तो दे दे। एक मौका था वो भी छूट गया, पासवर्ड तो मैं लेके रहूंगी। अनंत्या सुबह के 10 बज गए, उठी नहीं अभी तक। ये लड़की भी ना दिन भर सोती रहती है, टीन में क्या हुई? उठ जा जरा बेटा, 11 बज गए हैं। इससे पहले बेटा मैं आपके 12 बजा दूं, उठ जाओ। चल मम्मा प्लीज सोने दो, आज छुट्टी है प्लीज। उठो उठो, आने दे पापा को, मैं बताती हूँ। एक बज गए और ये लड़की अभी तक सो रही है। इतना तो हम भी नहीं सोते थे जब टीनेजर थे। तनु कब से सो रही है ये? ये सुबह से सो रहे हैं जब झाड़ू लगा रहे थे। मम्मी सोने दो यार, छुट्टी है। करो जो करना है। दोपहर के 2 बज गए, ये लड़की अभी तक सो रही है। अनंत्या उठो। अरे मम्मी आपको नहीं पता, इस एज में बहुत नींद आती है। ऐसे नहीं मानेगी। उठो। दीदी एसी चला दो। ये लड़की दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी तक सो रही है। बेटे रमा का मैसेज आया, आपको 3 बजे मिलने के लिए बुला रही है। अरे रमा का मैसेज आया? देखा, जो काम मैं सुबह से नहीं कर पाई मोबाइल ने कर दिया। अरे यार यही पूछ रही है कि व्हाट आर यू डूइंग, सोई तो रही होंगी, तू भी सो जा। जा मम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, और आपको तो पता ही है मेरे को बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। मैं पापा को भी बता दूंगी। पापा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, सो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। ठीक है?
एक मिनट कहाँ घुसे चले आ रहे हो? देखा नहीं बाहर बोर्ड लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब और नॉक बिफोर कमिंग। अब नॉक करना पड़ेगा और डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड मैंने कोई नहीं देखा, आपके कपड़े रखने आई हूँ। एक तो इनका काम भी करो और ऊपर से इनकी प्राइवेसी भी देखो। A few moments later. नहीं अभी अलाउड नहीं हो। अच्छा तो ठीक है, क्या करे बेटू? अंदर क्यों आ रहे हो? अभी आप अलाउड नहीं हो, अभी जाओ। हाँ कोई अलाउड। मुझे क्लिप बनानी थी ना, तो बाद में ले लेना, अभी जाओ। A few moments later. नहीं मैं नहीं खोल रही, मैंने आपको कहा है ना। ये दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है आपने? मैंने मना किया ना दरवाजा बंद करने के लिए, और ये आपकी सारी बुक्स इधर उधर फैली हुई थी, इसको तरीके से रखो, और ये सब भी फैलाया हुआ है, इसे भी सही रखो। हाँ जुमेन, तू ही सिर्फ मेरे रूम में अलाउड है, चल। और अनंत्या, नेक्स्ट टाइम मैं आई तो मुझे ये सब साफ चाहिए और डोर मुझे लॉक नहीं चाहिए। नेक्स्ट टाइम आप आना अलाउड ही नहीं हो। मेरी मम्मा जो कहती हैं वो कर भी देती हैं। इससे पहले वो वापस आए मैं सब पहले साफ करके फिर आराम से एसी में अपनी नेल पॉलिश लगाऊंगी। A few moments later. आप लोगों ने डिसाइड कर लिया ना कि आप लोग मेरे को परेशान करके ही छोड़ोगे? सुबह से यहाँ पे आई जा रही हो, यहाँ पे आई जा रही हो, 100,000 बारी आ गई हो, अब आप आ गई हो, अब आप चले जाओगे तो पापा करेंगे ये कर दिया वो कर दिया, मेरा ये नहीं मिल रहा, मेरा वो नहीं मिल रहा, सब बस मेरे रूम में ही आ जाओ। एक काम करो, मेरे रूम में ही रह, मेरे रूम में अपना ऑफिस का काम कर लेना, मेरे रूम में ही सोना, मेरे रूम में ही खाना, मेरे रूम में ही पीना। मैं जा रही हूँ तो आपके रूम में रहूंगी, फिर मैं आप देख लेना। हेलो यार। हाँ यार मैं नहीं आ पाऊंगी नीचे खेलने। अरे कहाँ ना नहीं आ पाऊंगी भाई, मेरा तो ऐसे ही हो रखा है। अब फोन मत लगा बार बार, ठीक है? मेरे को गुस्सा आ रहा है भाई। कभी लो कभी हाय, कभी खुश कभी दुखी, ये इतने सारे मूड स्विंग्स, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मम्मा आपको कुछ बोलो तो आपको समझ तो आता नहीं है। ओ सॉरी बेटा, मैं तो भूल ही गई थी कि आप किड से टीनेजर हो रहे हो और आपकी बॉडी में बहुत से चेंजेस हो रहे हैं। कोई बात नहीं, ये चेंजेस तो सबकी बॉडी में आते हैं, और हम दोनों मिलके इस प्रॉब्लम को भी चुटकी में सॉल्व कर देंगे। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपको अभी तक नहीं पता लगा हो तो मम्मा पासवर्ड इनकरेक्ट था। मुझे पता है कि पासवर्ड इनकरेक्ट था। अरे मम्मा टेक्स्ट वाला इनकरेक्ट, उसमें टाइप करके इनकरेक्ट कितना था, यही तो कंफ्यूजिंग था। ओ तेरी।